एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हमको तीन चीजें पढ़ना है, पहला इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और तीसरा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कस किया था तो आपको बताया जैसे ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका एनर्जी इक्वल टू एच न्यू है। ये लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट होगा, मतलब फोटोन जब इंसिडेंट होगा, तो ये जो एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए काम आएगा, जिस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग एनर्जी कहाँ पर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन एंड रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस and motion of electron is called as the electric current, but this electric current is obtained due to the incidence of this photon. इस photon के incidence के कारण ये आपको current मिल रहा है, इसीलिए हम इसको photoelectric current कहते हैं। It is called as photoelectric current because this electric current is obtained by the application of light. Light के application के कारण, मतलब light के कारण आपको मिल रहा है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब समझ जाना कि जो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो लाइट एनर्जी के कारण मिल रहा है, दैट मींस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेकंड इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे। अब इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पर जैसे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सर्फेस, कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो उसका इंटेंसिटी कहलाता है, सादे शब्दों में अगर बोला जाए तो। अगर यहाँ पर 5 फोटॉन्स अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इंटेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए 5, मतलब इंटेंसिटी जो है वो होगा 5 फोटॉन्स के बराबर। हम यहाँ पर सिंपली कंसीडर करते हैं कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, यहाँ पर 5 फोटॉन अगर इंसिडेंट हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे 5, मतलब आपको करंट जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। आप अगर समझ लो 10 फोटॉन इंसिडेंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे 10, आपको करंट किसके का कितने इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा 10, मतलब फर्क पड़ेगा करंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। मतलब आप जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन को चेंज कर रहे हो वैसे से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सर्फेस। मतलब एक्चुअली इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, वेव्स दैट मीन्स नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द गिवन सर्फेस ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी का इफेक्ट बताएंगे। जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी का डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो उस वक्त वहां पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का उस फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होगा वो भी हम लोग शो करेंगे। सो इन दिस केस वी हैव टू डिस्कस 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर हम लोग बना लेते हैं। एक आपको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेना है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये समझ लो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इट इज डिनोटेड बाय जी, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। मतलब इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, इवैक्यूएटेड मतलब खाली जगह है, वैक्यूम है। दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे
दो एंड पर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड एंड दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। कैथोड मींस नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से कनेक्शन करेंगे, इस कनेक्शन को थोड़ा अच्छे से देख लो। इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा जब कर्व बनाया जाता है तो इसका मतलब ये दोनों वायर जो है एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा आता है यहां पर देखो ये इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहां पर मैंने ऐसा कर्व बनाया तो इसका मतलब यहां पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ये एक टर्मिनल हो गया, ये सेकंड टर्मिनल हो गया। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ टर्मिनल, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उस करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया जाएगा। माइक्रो मतलब ये छोटे से छोटा करंट मेजर करेगा, और जो आप पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हो उस पोटेंशियल को इस वोल्टमीटर से मेजर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा एक बैटरी से, सेल नहीं बैटरी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं। एक की लगाएंगे और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट लगाया जाएगा, जिस रियोस्टेट को आरएच से डिनोट किया जाएगा। इस बैटरी को डिनोट करेंगे पी से। यहां पर चार टर्मिनल आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटर की एंड दिस कम्यूटेटर की इज डिनोटेड बाय के, इसको कम्यूटेटर की कहा जाएगा। इस इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर लाइट आने के लिए एक विंडो बनाया जाएगा, तो वो विंडो यहां पर होगा ताकि यहां पर लाइट आ सके। ये विंडो होगा, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसको हम लोग यहां पे इसको एस से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम हो गया। इसमें एस सोर्स ऑफ लाइट हुआ, जी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होगा, इस ग्लास ट्यूब में एक विंडो होगा जिस विंडो के थ्रू लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होगा, सीज कैथोड। दैट मींस दिस इज इमीटर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाला है इसलिए उसको इमीटर प्लेट कहेंगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसको अट्रैक्ट करने वाला, उसको कलेक्ट करने वाला जो है वो एनोड होगा, तो एनोड को कलेक्टर प्लेट कहा जाएगा। सो सी इज इमिटर प्लेट एंड ए इज कलेक्टर प्लेट, के कम्यूटेटर की, then this is called as micro emitter, V is called as
वोल्ट मीटर इज द बैटरी एंड के इज द, यहां पर के आया हुआ है, यहां पर ऑलरेडी के आया है, इसको के डैश कर देते हैं. दिस के डैश इज द की एंड आर एच, ये सिंपल की है एंड आर एच इज कॉल्ड एज द रोज. दिस इज द लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम, ये डायग्राम का लेबलिंग हुआ. ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा कर्व भी नजर आएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ऐसा बनाया तो भी चलेगा, या फिर आप इसको इस प्रकार से ऐसा कर्व भी दे सकते हो. कर्व दिया, ये पॉइंट हटा देना, ऐसा हो जाएगा, ठीक ही बात है, ठीक है. तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के इस पॉजिटिव पे रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पर नेगेटिव दिखाना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल यहां पर होगा. समझ में आया? तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देना. यहां पर कम्यूटेटर की का काम क्या होता है? कम्यूटेटर की करंट को रिवर्स करता है, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज करता है. तो यहां पर आपको क्या करना है, कम्यूटेटर की का यूज बता रहा हूं आपको. यहां पर क्या करना है, इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है. जैसे आप लोग देखो ये पॉजिटिव है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव बना देते, मतलब उस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव बनाते हैं. तो ए को पॉजिटिव बनाना है, ये फोर्थ नंबर पे आए, ये प्लस कहां पर आ गया, फोर्थ नंबर पे, और ये माइनस कहां पर आने वाला है, थ्री पे, हमेशा वही पर रहने वाला है. अब ये पॉजिटिव जो है यहां पर चला गया. आप लोग देखो एनोड की तरफ कौन जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है कि सेकंड जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है. समझे बात को? तो यहां पर जब आप फोर्थ को फर्स्ट के साथ कनेक्ट करोगे और थर्ड को सेकंड के साथ कनेक्ट करोगे, तो सी जो है वो पॉजिटिव होगा और ए जो है वो, सॉरी, सी जो है वो निगेटिव होगा और ए जो है वो पॉजिटिव होगा. समझे? कब? जब आप फर्स्ट को फोर्थ के साथ और थर्ड सेकंड को थर्ड के साथ कनेक्ट करोगे, तो सी क्या होगा, निगेटिव, और ए क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक. अब इसको चेंज कर दो. अगर आपने फोर्थ को सेकंड के साथ कनेक्ट किया, तो फोर्थ को सेकंड के साथ कनेक्ट करने से देखो क्या होने वाला है. ये पॉजिटिव, फोर्थ वाला पॉजिटिव है, सेकंड पे गया, सेकंड कहां पर चला गया, सी पे. तो अब सी क्या बन गया, पॉजिटिव. तो सी जो है वो बनेगा पॉजिटिव, और आप फोर्थ को सेकंड पे कनेक्ट करो तो थर्ड को कहां पर कनेक्ट करोगे, फर्स्ट पे. तो थर्ड निगेटिव पे है, तो फर्स्ट भी निगेटिव हो गया, और फर्स्ट कहां पर चला गया, ए पर. तो अब ए जो है ये बन जाएगा निगेटिव. तो इस प्रकार से आपने यहां पर फोर्थ को सेकंड और थर्ड को फर्स्ट पे कनेक्ट किया, तो जो टर्मिनल है, मतलब जो पोलैरिटी था, पोलैरिटी चेंज हुआ. पहले सी निगेटिव था, अब सी क्या बन गया, पॉजिटिव. पहले ए पॉजिटिव था, अब क्या बन गया, वो निगेटिव. इस प्रकार से यहां पर ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. क्लियर है? तो ये होता है यूज ऑफ कम्यूटेटर की. अब हम लोग करंट को रिवर्स क्यों कर रहे हैं? तो करंट को रिवर्स करके हम लोग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताने वाले हैं. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना है, तो उस वक्त हम लोग कम्यूटेटर की का यूज करेंगे, मतलब इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे. लेकिन फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं, तो हम इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे डायरेक्ट का, मतलब यहां पर सी जो है वो निगेटिव रहेगा और ए जो है वो पॉजिटिव रहेगा. तो इतना क्लियर है, लेबलिंग क्लियर हो गया. एस मतलब क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहां से जैसी लाइट इमिट होगा, तो ये लाइट आगे कैथोड पे, विंडो के थ्रू कैथोड पर आएगा.
जी इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब, वी विंडो, विंडो के थ्रू लाइट अंदर आ गया, सी इमिटर प्लेट, इमिटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हुआ। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इजीली इमिट होने के लिए अल्कली मेटल का यूज किया जाता है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होता है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कम से कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए उस सिचुएशन को लाएंगे। उस सिचुएशन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कली मेटल का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अल्कली मेटल यूज करेंगे, तो अल्कली मेटल में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है। तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये जो कैथोड होता है, ये कैथोड होता है मेटल, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग लगा रहता है वो होता है अल्कली मेटल। तो लाइट जो है वो सबसे पहले किसके ऊपर इंसिडेंट होगा, अल्कली मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, अल्कली मेटल से, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर कोटिंग रहेगा अल्कली मेटल का। ये मतलब कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट हो गया, जो यहां से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, और ये अभी फिलहाल इस कॉम्बिनेशन के लिए एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होने के कारण इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट होगा तो आपको करंट मिलेगा, जो करंट को दिखाएगा माइक्रोएमीटर। तो थोड़ा सा भी करंट अगर यहां पर तैयार होता है तो भी ये माइक्रोएमीटर, इसलिए माइक्रोएमीटर जोड़ा हमने, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करता है। तो थोड़ा सा भी करंट अगर यहां पर होता है तो उस करंट को ये मेजर कर लेता है। हो गया ये कलेक्टर प्लेट, कम्यूटेटर की का यूज हो गया, माइक्रोएमीटर बता दिया कम से कम करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज इस सर्किट में कितना है उसको मेजर करने का काम करेगा वोल्टमीटर, ई बैटरी हो गया जहां पर हम लोग पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, ये पोटेंशियल डिवाइडर मेथड पे होता है। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड पे मतलब यहां पर क्या होता है, ये जो बैटरी होता है उसमें 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट के ऐसे नॉब्स होते हैं, कीज होती है। आपने जिस की का यूज किया, जैसे 2 वोल्ट की का यूज किया, इसका मतलब सर्किट में कौन सा कितना वोल्ट आया, 2 वोल्ट। आपने उस पोटेंशियल डिवाइडर पे अगर 3 वोल्ट का यूज किया, 3 वोल्ट की का अगर यूज किया, सर्किट में 3 वोल्ट आ गया। मतलब बार बार यहाँ पर आपको सेल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक ही बैटरी में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो। के डैश ये सिंपल की हो गया, और आर एच मतलब रियोस्टेट। अगर सर्किट में करंट को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए इस रियोस्टेट का यूज किया जाएगा, क्योंकि रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट कम हो जाएगा, और कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो इस प्रकार से करंट को कंट्रोल करने का काम ये रियोस्टेट करता है। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस डायग्राम में जो जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं उस कंपोनेंट का ये लेफ्टिंग हो गया, और ये जो कॉम्बिनेशन बताया ये कॉम्बिनेशन हो गया इस कम्यूटेटर की का, ठीक है।